एक तरफ भारत सरकार देश में आबादी को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है, परिवार नियोजन प्रोग्राम में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का पूरा जोर प्रयास कर पखवाड़ा मना रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी अमले की लापरवाही उसमें पलीता लगा रही है। बच्चों के जन्म में अंतर रखने और सीमित परिवार के लिए सबसे प्रभावी विधि महिला नसबंदी मानी जाती है, फिर भी नसबंदी फेल होने के मामले जिले में लगातार सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट क्षेत्र के ग्राम केवटसा के रहने वाली जूली देवी पति नीरज कुमार सिंह का है। महिला की नसबंदी 2015 में होने के बाद भी उसने दो बच्चों को जन्म दिया और फिर से गर्भवती है। परिजन ने जूली की नसबंदी 2015 को गायघाट के सरकारी अस्पताल में कराई थी। नसबंदी ऑपरेशन होने के बावजूद भी गर्भ ठहर गया। गर्भ का पता चलने पर परिजन ने तत्कालीन सिविल सर्जन के पास शिकायत दर्ज कराई और मुआवजे की मांग की। उसकी सुनवाई के दौरान जूली ने दो बच्चों को जन्म भी दिया। नीरज कुमार सिंह के मुताबिक वह दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। लगभग 20 साल पहले उसकी शादी जूली से हुई थी। परिवार में पहले से 4 संतान हैं, जिसमें 2008 में बेटी कोमल कुमारी, 2009 में बेटा किशु कुमार, 2011 में बेटी वैष्णवी और 2013 में किशमी कुमारी के जन्म के बाद परिवार सीमित रखने के लिए डॉक्टर की सलाह पर 2015 में पत्नी का परिवार नियोजन ऑपरेशन गायघाट पीएचसी में लगे कैंप में करवा दिया था। परिवार नियोजन ऑपरेशन होने के 3 साल बाद 2018 में उसकी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हुई, जिसकी जानकारी उसने तत्कालीन जिलाधिकारी को दी। जिलाधिकारी ने जांच का आदेश सिविल सर्जन को दिया और जांच के क्रम में ही 2018 में किशु कुमार और 2020 में छठी संतान के रूप में छठी कुमारी का जन्म हुआ। इसी बीच उसकी पत्नी को तत्कालीन सिविल सर्जन के द्वारा 6,000 मुआवजा की राशि भी दी गई और परिवार नियोजन में बच्चों के बीच गैप रखने वाला इंजेक्शन अंतरा का लगाया गया। अंतरा इंजेक्शन लगने के बाद उल्टी होने की शिकायत होने पर जांच कराई तो पता चला कि वह गर्भवती है। वहीं नसबंदी ऑपरेशन फेल होने की शिकायत और संबंधित डॉक्टर पर कार्रवाई के लिए यह परिवार पिछले 9 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग का चक्कर लगा रहा है, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। इसके अलावा शासन की ओर से नसबंदी ऑपरेशन फेल होने पर मिलने वाली आर्थिक सहायता भी नहीं मिली। पूरे मामले को लेकर प्रभारी सिविल सर्जन का कहना है कि उन्हें इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यह नसबंदी फेल उनके समय का नहीं है। टीम बनाकर मामले की जांच कराई जाएगी। परिवार नियोजन के लिए करवाए थे 2015 में, गायघाट पीएससी में, उसके बाद बच्चा, उसके बाद दो बच्चा हो गया। कुल कितने बच्चे हुए? कुल 7वां है। ऑपरेशन के बाद छुट्टी 3 वो हो गए सर। बहुत गरीब आदमी, हम कुछ दिमाग ने काम कर रहा है। अभी आएंगे मिलने, सिविल सर्जन सर से मिलने आए। नाम क्या आपका? जूली देवी। मामला क्या? मामला यही सर, 2015 में हमने अपने पत्नी का फैमिली प्लानिंग सरकार के चलाए गए योजना से करवाए 2015 में। 2015 के बाद 2018 में उसको एक गर्भ में बच्चा निकला, तो हम कहे कि जब ऑपरेशन हुआ तो बच्चा कैसे हुआ। तो उसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय और सिविल सर्जन महोदय को आवेदन दे करके जांच करने को कहे, तो ये लोग जांच के लिए आप भी मीडिया माध्यम को भी कहे, तो ये लोग जाँच कहे कि करेंगे। जांच करने के बाद में एक बच्चा जो जन्म लिया उसका सुई दे दिए, कहे कि अब बच्चा आपका नहीं होगा, आप जाइए निफिक्र। हम घर चले गए। फिर 2020 में और एक लड़की जन्म ले रही है, उसके बाद फिर गए गायघाट, तो बोले कि अब आपको 3 साल तक सुई पड़ेगा आपके पत्नी को, और प्रत्येक महीना आप लेकर के आइए। हम प्रत्येक महीना 3 साल तक सुई लिए पत्नी हमारी, लेकिन फिर जब लास्ट इंजेक्शन के समय में जब जाँच किया गया तो 3 महीने का गर्भ में बच्चा। ऑपरेशन के बाद हमें 3 बच्चा हो गया अभी तक, और डीएम साहब कहे थे सुहेल बाबू सर कि आपको जांच कर टीम गठन कर दिया गया है और उचित कानूनी कार्रवाई होगी और आपको उससे जो भी सरकार से मुआवजा वो मिलेगा और इस बच्चा को रखिए। तो 5 बच्चा पहले से, 4 बच्चा पहले से था और 3 बच्चा ऑपरेशन के बाद हो गया। अब 7 बच्चा है, अब दूर बेरोजगार हैं। नाम क्या बात? नीरज सिंह, गायघाट के उत्सा बरुआरी। तो दहिए दहिए मामला है सर, परिवार नियोजन के 3 साल के बाद
तीन बच्चे, तीसरा बच्चा भी गर्भ में है, तो अब आगे क्या होगा? देखिए, तीन बच्चे जो घर में, ये जो संज्ञान में मामला आया है, सबसे पहली बात कि अगर फेल्योर हुआ है तो एक बच्चा होगा, ठीक है, और उसके बाद अगर फिर विधिवत उसका ऑपरेशन कराया जाएगा तो ऐसा नहीं होता है फेल्योर, इसलिए कि हमारे यहाँ हजारों हजार ऑपरेशन होते हैं। तो ये तीन बच्चा हो जाना फेल्योर के कारण, ये फेल्योर तो बट नेचुरल हुआ है, लेकिन एक बच्चे के बाद अगर प्रिकॉशन लिया जाता तो ये दूसरे, इनके परिवार में दूसरे मतलब के सदस्यों का एडिशन नहीं हो पाता, तो इसकी हम लोग जांच करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जो विधिवत कार्रवाई होता है इसका, और जो क्षतिपूर्ति होगा सरकार के नियमानुसार। 2015 में बताया जा रहा है उनके द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद हो रहा है वो, और अभी वो हम लोग इसकी इसकी जांच करते हैं, इसको देखें, सुई भी लगा, नहीं तो इसकी हम लोग जांच करते हैं, इसको सारी चीज़ों को एक बार टीम गठित करके, डीक्वेसी हमारी टीम है, उसके बाद ही हम लोग फिर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान, माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।